10 दिन हुआ ब्रांड न्यू गाड़ी है, अगर इसमें ये समस्या आ रही है और जब कोई परिवार का होता है जो चलती गाड़ी में आग लग जाती, तो भाई साहब देखो क्या हादसा हो सकता है, आप भी समझदार हो इस चीज़ को। तो मैं यही चीज़ अब लेके आया हूँ इनके पास, यदि भाई ये सर्विस है, अगर हादसा हो जाता कोई ना तो कोई मैनेजर जिम्मेवार होता ना कोई ओनर जिम्मेवार होता है, हादसा होता मेरे परिवार के साथ होता या कोई भी दुर्घटना, तो मेरा तो यही है भाई मेरे को दूसरी गाड़ी दी जाए, बेशक नहीं तो मैं बाहर खड़ी करके इस गाड़ी में भी आग लगा दूँ। आज रोहतक में टाटा की गाड़ी में खड़े खड़े आग लगने का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें विकास सैनी नाम के एक व्यक्ति ने लगभग 15 से 20 दिन पहले राज मोटर से टाटा की CNG फिटेड टिगोर गाड़ी ली थी, जिसे आज सुबह जब वो लेकर अपने दफ्तर पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद जब कार में वापिस आकर गाड़ी स्टार्ट की तो उन्हें कुछ जलने की दुर्गंध आने लगी। देखते ही देखते स्टीयरिंग के नीचे से आग निकलने लगी, जिसे आनन फानन में उन्होंने ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के साथ मिल फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया, जिसके बाद वे गाड़ी को टो करके राज मोटर्स में ले आए, जहां उन्होंने एजेंसी वालों से नई गाड़ी की मांग की है और बताया कि अगर उन्हें नई गाड़ी नहीं मिलती तो वो अपनी गाड़ी को आग लगा देंगे। तो वहीं शोरूम वालों का कहना है कि इंस्पेक्शन से पहले वो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जी, क्या नाम है आपका? विकास नाम है सर मेरा। क्या मैटर है, क्या मामला, क्या हुआ? सर ये 10 दिन पहले गाड़ी ली है मैंने, 21 तारीख को। कौन सी गाड़ी है? ये टाटा टाइगर XZ CNG। और ये सर देख रहे हो जी, आज मैं सुबह अपने ऑफिस गया, वहाँ गया, बाहर निकला, दोबारा आके गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, बैठ गया गाड़ी में, थोड़ी देर में गाड़ी में से आग लगने की समय लाई और गाड़ी में देखा तो आग लगी हुई थी बहुत बुरी तरह से। और फिर क्या नाम है, मैंने इसको किसी तरह अपने स्टाफ के साथ मिलकर इसको आग को बुझाया जी। मैंने कंपनी में फ़ोन किया, कंपनी वाले आए थे, कोई वीडियो वगैरह बनाई, अगर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रहता तो जो पूरी गाड़ी में आग लग जाती है, CNG वैसे भी मुश्किल से इसमें बनाई। अरे देख लो 10 दिन हुआ ब्रांड न्यू गाड़ी है, अगर इसमें ये समस्या आ रही है और जब कोई परिवार का होता है जो चलती गाड़ी में आग लग जाती, तो भाई साहब देखो क्या हादसा हो सकता है, आप भी समझदार हो इस चीज़ को। तो मैं यही चीज़ अब लेके आया हूँ इनके पास, यदि भाई ये सर्विस है, अगर हादसा हो जाता कोई ना तो कोई मैनेजर जिम्मेवार होता ना कोई ओनर जिम्मेवार होता है, हादसा होता मेरे परिवार के साथ होता या कोई भी दुर्घटना होती, तो लेके आया हूँ भाई इस गाड़ी का क्या करूँ, या तो इसने तेल लगा आग लगा दूँ भाई, 10 लाख रुपये की गाड़ी ली है इनसे और कोई सर्विस नहीं, मतलब कह रहे हैं कि जो मैनेजर है और जो बता रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है, तो मतलब जी अगर हर बार सिचुएशन ऐसी आएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी ये टाटा वाली, कौन गाड़ी खरीदेगा इनकी। तो ये इसलिए लेगा मैं भाई, मेरे को ब्रांड न्यू गाड़ी तो मैं दे गाड़ी लूँगा नहीं भाई साहब, नहीं देंगे तो मैं केस डाल दूंगा भाई साहब, मैं क्या करूँगा इस गाड़ी का, कल ना फिर हादसा होता है, ये ठीक करके दे दें, सर्विस करके दे दें भाई, इसने एजेंसी में है इंश्योरेंस में ठीक करा के दे दें, तो मेरा तो यही है भाई मेरे को दूसरी गाड़ी दी जाए, बेशक नहीं तो मैं बाहर खड़ी करके इस गाड़ी में भी आग लगा दूँ। कौन सी एजेंसी से आपने गाड़ी? ये यहीं से राज मोटर से लिया भाई, टाटा से ही। तो अभी आप लोग की ये कुछ क्या कह रहे हैं, नई गाड़ी देंगे? अभी कोई बात नहीं है भाई साहब, ये मैंने बाहर गाड़ी रखवाई थी, अब फिर एजेंसी में मैंने बाहर ही रखवा दी, अंदर नहीं ले गया, टो करके ले गया था, अब एजेंसी वाले बोले अंदर लगवा दो, अब पता नहीं एजेंसी वाले उसने क्या किया, कैसे स्टार्ट करके गाड़ी अंदर लाए हैं, ये चाबी काम नहीं कर रही है इसकी, ठीक है उन्होंने पता नहीं क्या किया वो अंदर स्टार्ट करके गाड़ी लाए हैं। स्टार्ट है सेल्फ में गाड़ी? ये पुश स्टार्ट है सर। हाँ जी, तो जिस समय आग लगी आप गाड़ी के अंदर थे? हाँ मैं गाड़ी के अंदर था सर। तो आपको तो कोई नुकसान नहीं? मैं रोहतक से, ना नुकसान है, ये जो आग बुझाने के चक्कर है उंगली पे हो गया था, फिर बाकी इतना नुकसान नहीं है। तो अब आपकी क्या मांग है? भाई मेरी मांग यही है कि मेरे को दूसरी गाड़ी दी जाए ब्रांड न्यू, अगर 10 दिन में गई है तो अभी की ब्रांड न्यू गाड़ी है, 10 दिन हुए हैं, जब 1 महीना 2 महीने 6 महीने हो जाते तो कोई कंपनी वाला नहीं मानता भाई ये सिचुएशन हो सकती है, और मेरे को तो समस्या ही आ रही है, करे भाई पहली बार ऐसी समस्या आई है कि भाई ये गाड़ी में आग लगी है, भाई कोई भी चीज़ आती है पहली बार ही होती है, और अभी तो इसका मतलब टेस्टिंग मोड भी नहीं था, 500 किलोमीटर नहीं चली है गाड़ी अभी, हाँ चली होगी 400 हद मार के 500 चली होगी, क्या ये लोग पहले टेस्टिंग नहीं करते गाड़ी की यार? गाड़ी चालू थी जब आप गाड़ी में बैठे? हाँ बिल्कुल, मैंने स्टार्ट करी मैडम गाड़ी, स्टार्ट करके बैठ गया मैं, थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स के बाद पता लगा गाड़ी में से स्मेल आ रही है, तो देखा गाड़ी में आग लगी हुई थी, फिर मैं शीशा खोल के बाहर निकला, अपने स्टाफ मेंबर थे उनको बुलाया, आवाज़ मार के पानी मारा, रेता मारा, उसके बाद पता लगा भाई एक्सटिंग्विशर उससे आग बुझाएगी, और फिर जो इंस्पेक्शन के लिए ऑफिस से आए थे यहाँ से बोले कि भाई साहब आपने कोई वीडियो बनाई, मैं भाई वीडियो बनाता क्या तो ना, स्टाफ मेंबर्स बाहर खड़े थे जी सारे, मतलब और भी जो PNs वगैरह थे ऑफिस के वो बाहर खड़े थे। उसकी लोकेशन क्या थी? ये अपने पंडित श्री राम रंगशाला है जी यहाँ पे, वहाँ अपने नगर निगम की इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो मैं उसी में काम करता हूँ, तो ये हादसा वहीं का है जी, उसी टाइम सुबह 11:15 बजे के बीच का। क्या नाम है आपका? नवदीप नाम है जी मेरा। क्या आपकी डेजिग्नेशन है यहाँ पे? सर्विस देखता हूँ जी, मैं सर्विस मैनेजर हूँ। ठीक है, तो आज एक ये गाड़ी आई है जो टाटा टिगोर जिसमें आग लगी है, की शिकायत बता रहे हैं, क्या समस्या हुई? देखिए सर, हम तो अभी गाड़ी आई है मेरे पास, चेक करके ही बता पाऊँगा क्या हुआ कैसे हुआ,
तो उसके लिए मैंने अपना थोड़ा टाइम चाहिए, गाड़ी को मैं चेक करूँगा। बाकी इसमें बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है जो मतलब कंपनी तरफ से होगा? देखिए सर, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं चेक करके फिर ही कुछ कमेंट कर सकता। पहले भी कोई कंप्लेंट आई है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। पहला जो ओनर है उन्हें कहना है कि उन्हें सेम मॉडल की नई गाड़ी चाहिए, वो इसे नहीं लेंगे, तो इस बारे में सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता।